दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे मैंने SBI को कॉल करके अपने ईमेल आईडी पे अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप भी बिना इंटरनेट बैंकिंग को यूज किए केवल SBI को कॉल करके अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपने ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये ईमेल ओपन करके दिखाऊं जो कि SBI की तरफ से आया हुआ है, इसमें कि मेरा बैंक स्टेटमेंट अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे इस ईमेल को ओपन करने के बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिख जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का PDF फाइल दिख जाता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी PDF व्यूअर में व्यू करने के लिए, तो यहाँ पे ये मुझसे पासवर्ड मांगता है। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो रिसीव होता है आपके ईमेल आईडी पे, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, और इसका पासवर्ड क्या होगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मंगा सकते हो अपने बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी, बस आपको SBI को कॉल करना होगा और कॉल आपको बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना है। बाकी अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ होता है तो कैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ये है वो वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बिना इंटरनेट बैंकिंग के कैसे आपको बैंक स्टेटमेंट मंगवाना है अपने ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे आपको SBI कस्टमर केयर को कॉल करना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है, जहां से आप गूगल सर्च करते हो, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है SBI कस्टमर केयर नंबर। तो यहाँ से आपको SBI का लेटेस्ट कस्टमर केयर नंबर निकाल लेना है। लेटेस्ट गूगल से इसलिए निकालना है क्योंकि टाइम टू टाइम कंपनीज अपने कस्टमर केयर का नंबर चेंज करते रहती है, तो आपको लेटेस्ट वाला निकाल लेना है। तो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट नंबर गूगल सर्च में दिख जाता है, सिंपली यहाँ पे मुझे SBI कस्टमर केयर को कॉल कर लेना है। यहाँ पे अगर कॉल करने जाते हो और +91 आ जाता है तो इस +91 को हटा देना है और आपको कॉल कर लेना है। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए कहा जा रहा है, मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ 1 प्रेस करके। अपने ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। यहाँ पे आपको 1 दबाना है। कृपया अपनी खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। अपने बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट इंटर करना है। आपके खाते का बैलेंस है 12,95,000। पिछले 5 लेन देन सुनने और SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी पर खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो यहाँ पे आपको 2 दबाना है पंजीकृत ईमेल आईडी पे अकाउंट स्टेटमेंट मंगाने के लिए। खाता संख्या के साथ जारी रखने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दोबारा दर्ज करने के लिए कृपया 2 दबाएं। मैंने जो बैंक अकाउंट पहले सेलेक्ट किया था उसी का स्टेटमेंट मंगाना चाहता हूँ, 1 टाइप करूंगा। पिछले 3 महीनों के खाता विवरण के लिए 1 दबाएं। पिछले 6 महीनों के खाता विवरण के लिए 2 दबाएं। पिछले 12 महीनों के खाता विवरण के लिए 3 दबाएं। पिछले वित्तीय वर्ष के खाता विवरण के लिए 4 दबाएं। फिर से दोहराने के लिए स्टार दबाएं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस सुन सुन के कर लेना है, और SBI के लेटेस्ट कस्टमर केयर नंबर को गूगल से जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो उस समय निकालना है। और एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करके अकाउंट स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट रात के 9 बजे के बाद डालते हो, 9 PM के बाद रिक्वेस्ट डालते हो, तो आपको अगले दिन स्टेटमेंट रिसीव होगा ईमेल पे। अगर आपने दिन में किया है तो आपको दिन में ही रिसीव हो जाएगा, और मैंने देखा है कि स्टेटमेंट आपको कुछ मिनटों बाद ईमेल पे रिसीव होता है। तो यहाँ पे जो मुझे ईमेल रिसीव हुआ था, मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड इसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल में पासवर्ड दिया गया है, तो आपके अकाउंट स्टेटमेंट का जो पासवर्ड होने वाला है वो आपके मोबाइल नंबर के लास्ट का 5 डिजिट होने वाला है, बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट, और आपका डेट ऑफ बर्थ होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आपके मोबाइल नंबर में अगर लास्ट में 12345 है और आपका डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1982 है, तो जो आपका पासवर्ड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट 12345, और डेट आपका आ जाएगा 16 सितंबर, 9वां महीना होता है तो 09 और 82, यानी कि आपको ये 19 इंटर नहीं करना है जो कि ईयर में रहता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली PDF को ओपन करके पासवर्ड इंटर करूंगा तो मेरा अकाउंट स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा।